पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्राइम न्यूज या न्यूज हो आपके राज्य, आपके शहर की, आपके आसपास हो रहा है भ्रष्टाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आप तक हर सच, हर वो खबर जो है जनता से जुड़ी। SSB भारत और APF नेपाल के बीच समन्वय बैठक का किया गया आयोजन। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा परिदृश्य से संबंधित मुद्दे पर विशेष रूप से 19 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले भारत के आम चुनाव 2024 के दौरान विभिन्न प्रचालन गतिविधियों के संचालन, संयुक्त गश्त का संचालन हेतु चर्चा की गई एवं इसके तौर तरीकों पर किया गया ध्यान केंद्रित। मानव तस्करी विरोधी कार्यवाही, नकली नोट, भारतीय और नेपाली मुद्रा से संबंधित सीमा पर अपराधों को नियंत्रित करने, खास तौर पर नशीले पदार्थों, प्रतिबंधित वस्तुओं, अन्य जीव एवं संपदा, शराब आदि की तस्करी को रोकथाम के लिए संयुक्त कार्यवाही करने बनी सहमति। 21वीं सशस्त्र सीमा बल मंगलपुर अवसानी बाघा 2 मुख्यालय में पंकज कुमार दाराज, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल पटना की अध्यक्षता में बुधवार को SSB भारत और APF नेपाल के बीच समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम नेपाल और APF के IG, DIG और कमांडेंट स्तर के अधिकारियों का भव्य स्वागत सीमांत मुख्यालय SSB पटना के IG पंकज दराज, क्षेत्र मुख्यालय बेतिया के DIG सुरेश सुब्रमण्यम के नेतृत्व में कमांडेंट श्री प्रकाश ने फूल गुच्छ देकर गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। किसी वाही SSB परिसर में स्थित मंदिर में नेपाल APF के पदाधिकारियों के साथ चंदन, रुद्राक्ष, सिंदूर, हिंग, आम आदि के पौधे लगाए गए। दूसरे चरण में कौलेश्वर वाल्मीकि नगर में दोनों देशों के क्षेत्र पदाधिकारियों की उपस्थिति में SSB के नव निर्मित BOP का उद्घाटन IG पंकज दराज के कर कमलों से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। तीसरे चरण के दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों के पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर दौर शुरू हुआ। इस बैठक में सशस्त्र प्रहरी बल APF के ब्रिगेड नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के ब्रिगेड कमांडरों के साथ साथ सशस्त्र प्रहरी बल APF बटालियन एवं सीमा चौकी कमांडर कुल 27 अधिकारियों एवं सशस्त्र सीमा बल के क्षेत्र मुख्यालय बेतिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया के उप महानिरीक्षक के साथ सीमांत मुख्यालय पटना के अधीन इकाइयों के कमांडेंट कुल 17 अधिकारियों ने समन्वय बैठक में भाग लिया। बैठक में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा परिदृश्य से संबंधित मुद्दों पर विशेष रूप से 19 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले भारत के लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान विभिन्न प्रचालन गतिविधियों के संचालन, संयुक्त गश्त का संचालन, मानव तस्करी विरोधी कार्यवाही, नकली नोट जैसे भारतीय नेपाली मुद्रा से संबंधित सीमा पार अपराधों को नियंत्रित करने, खासतौर पर नशीले पदार्थों, प्रतिबंधित वस्तु, वन्य जीव एवं संपदा, शराब आदि की तस्करी की रोकथाम के लिए संयुक्त कार्रवाई करने हेतु चर्चा की गई एवं इसके तौर तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में पकड़े गए अपराधियों से संयुक्त पूछताछ के लिए एक तंत्र विकसित करने तथा सशस्त्र सीमा बल SSB तथा सशस्त्र प्रहरी बल APF द्वारा मासिक आधार पर जब्ती तथा गिरफ्तारी को साझा करने से संबंधित मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। इस समन्वय बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा स्तंभों की मरम्मत और रख रखाव तथा नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण की जांच पड़ताल और हटाने के साथ साथ तीसरे देश के नागरिकों की आवाजाही की जांच करने और अविलंब इसकी जानकारी साझा करने के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही साइबर अपराध धोखाधड़ी के मामले से भी अवगत कराया गया। यह बहुत ही सार्थक चर्चा रही और कई स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हुई और उनका समाधान निकाला गया। दोनों देशों के पत्रकारों ने संयुक्त रूप से कहा कि भारत और नेपाल सीमा पर बने भारतीय 194 तथा नेपाल के 195 सीमा चौकी के बीच आपसी सामंजस्य पर जोर दिया गया। सीमा के आर पर असामाजिक तत्वों द्वारा किसी प्रकार की गैर कानूनी व असामाजिक गतिविधियां न हो सके, आपसी सहयोग, सौहार्द और मित्रता को सद्भाव पूर्वक में आपसी मधुरता को बढ़ाते हुए सीमा चौकियों को मजबूत बनाकर देश के रिश्ते को मजबूत करना ही, यानी इलेक्शन हो या फेस्टिवल ऑफ नेशन, किसी भी तरह का अवैध व असामाजिक गतिविधियां नेवर एक्सेप्टेंस ही इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। समन्वय बैठक एक नियमित तौर पर संपन्न होने वाली बैठक है और ऐसी बैठक भविष्य में भी जारी रहेगी। इस अवसर पर DIG सुरेश सुब्रमण्यम, किसी वाहिनी के कमांडेंट श्री प्रकाश कुमार, 44वीं वाहिनी के द्वितीय कमान अधिकारी सुंदरम कुमार, 21वीं वाहिनी के कमांडर द्वितीय कमान
अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह, उप कमांडेंट उमा शंकर नसाना एम टी मेनन तथा 65वीं वाहिनी के कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा और नेपाल एपीएफ के पदाधिकारी गण उपस्थित थे। मैं रोहित चौधरी, वज्रपात न्यूज, बेतिया। एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से करते हैं। इस बार पटना फ्रंटियर के इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीनों सेक्टर माने पूरा बिहार का बॉर्डर और उधर उनके काउंटर पार्ट में चार डीआईजी साहब को बिठाया गया है। आप समझ लीजिए, लुम्बिनी जो यूपी का बॉर्डर है और इधर सिलीगुड़ी का बॉर्डर है, वो पूरा एरिया के चारों डीआईजी साहब यहाँ हैं और उनके साथ उनके सहयोगी 20 कमांडेंट साहब भी आए हैं वहाँ हैं। एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से करते हैं। इस बार पटना फ्रंटियर के इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीनों सेक्टर माने पूरा बिहार का बॉर्डर और उधर उनके काउंटर पार्ट में चार डीआईजी साहब को बिठाया गया है। आप समझ लीजिए, लुम्बिनी जो यूपी का बॉर्डर है और इधर सिलीगुड़ी का बॉर्डर है, वो पूरा एरिया के चारों डीआईजी साहब यहाँ हैं और उनके साथ उनके सहयोगी 20 कमांडेंट साहब भी आए हैं।